नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं शॉमी के दो पॉपुलर फोन, जो कि है शॉमी का रेडमी नोट 4, जिसने शॉमी के मार्केट शेयर को जो है यहां से जो है यहां पर ला दिया है, जो कि मतलब जो है इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड जो है बन चुका है। और उसी का ही अपग्रेड वर्जन अवेलेबल है हमारे पास, जो कि है शॉमी का रेडमी नोट 5। यहां पर हमारे पास अवेलेबल है दोनों ही फोन जो है 4GB रैम वाले वेरियंट में। और हम करते हैं इन दोनों फोन में स्पीड कंपेरिजन और हम देखते हैं कि यहां पर जो है क्या Xiaomi Redmi Note 5 या फिर जो है Xiaomi Redmi Note 4 जो है विनर रह पाता है। क्या अगर आपका बजट है 10-12 हज़ार रुपए का फोन लेने का, तो क्या आपको Redmi Note 5 लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? या फिर अगर आप Xiaomi Redmi Note 4 यूज कर रहे हैं, तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए Note 5 पे या फिर नहीं करना चाहिए? तो करते हैं हम इन दोनों फोन में स्पीड कंपैरिजन और हम देखते हैं कि यहां पर जो है स्पीड में कौन सा फोन जो है विनर रहता है। तो करते हैं कंपैरिजन। तो पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फोन की प्राइस रेंज और अवेलेबिलिटी की, जो कि है Xiaomi का Redmi Note 4 वेरिएंट है 4GB 64GB। प्राइस की बात करते हैं तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 11,000 रुपीज। बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में जो है देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ में बात करते हैं इसी का अपग्रेड वर्जन की, जो कि है Xiaomi का Redmi Note 5। बात करते हैं 4GB 64GB वाले का प्राइस, जो कि है 12,000 रुपीज। बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, तो आपको मिलेगा ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में। और यहां पर हम बात करते हैं दोनों ही फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो ये है Xiaomi का Redmi Note 4, जहां पर स्पेसिफिकेशन यूज किया गया है वो है 5.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि है IPS डिस्प्ले के साथ में। बात करते हैं यहां पर कैमरे की, तो वो है यहां पर 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बात करते हैं यहां पर चिपसेट की, तो चिपसेट इसमें यूज किया गया है वो है Snapdragon 625। तो ये आपको जो है स्पेसिफिकेशन कुछ इसमें जो है देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो यहां पर यूज किया गया है वो है 1080x1920। और बात करते हैं Xiaomi के Redmi Note 5 के कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो यहां पर आपको मिलता है 5.99 इंच का IPS डिस्प्ले, जहां पर स्क्रीन रेशियो यूज किया गया है वो है 18:9 का स्क्रीन रेशियो। जहां पर हम बात करते हैं रेजोल्यूशन पिक्सल की, तो पिक्सल इसमें यूज किया गया है वो है फुल HD प्लस, जो कि है 1080x2160। बात करते हैं यहां पर चिपसेट की, तो चिपसेट वही सेम मिलता है जो कि है Snapdragon 625, जो कि Xiaomi Redmi Note 4 में आपको जो है देखने को मिलता है। कैमरा भी आपको जो है इनफैक्ट वही मिलता है, जो कि है 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो ये थे दोनों फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट हम करते हैं इन दोनों फोन में कंपैरिजन। हम देखते हैं क्या आप Redmi अगर Note 4 यूज कर रहे हैं, तो क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करते हैं इन दोनों फोन में कंपैरिजन और हमारे पास स्क्रीन पर अवेलेबल है ऑलमोस्ट 12 एप्लीकेशन। हम करने वाले हैं वन बाय वन ओपन और हम देखने वाले हैं कि यहां पर जो है कौन सा फोन जो है विनर रह पाता है। दिस इज अ चुकी बीट प्रोडक्शन।
करते हैं दोनों ही फोन को रिबूट और हम देखते हैं कि क्या रिबूट वाले प्रोसेस में जो है Redmi Note 5 विनर रह पाता है या फिर जो है Redmi Note 4 जो है विनर रह पाता है। तो हम यहाँ पर जो है दोनों को करने वाले हैं एक साथ टैप और करने वाले हैं रिबूट और हम देखने वाले हैं कि क्या कौन सा फोन जो है विनर रह पाता है। तो हमने कर दिया है दोनों ही फोन को रिबूट और हम देखते हैं कि कौन सा फोन जो है पहले स्टार्ट हो जाता है। This is a Chucky Beat production. तो यहां पर हमने देखा रिबूट वाले प्रोसेस में विनर रहता है वो है Xiaomi का Redmi Note 4, वो यहां पर जो है कुछ सेकंड पहले जो है स्टार्ट हो गया था। तो ये था इन दोनों फोन के बीच में स्पीड कंपैरिजन और रिबूट टाइम ही हमने जो है चेक किया है। तो ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है इन दोनों फोन के बारे में, इस वीडियो के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके अलावा आपने हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप लाइक भी कर लीजिए, जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए क्योंकि हम वहां पर भी जो है छोटे छोटे अपडेट्स जो है देते रहते हैं। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी जो है फोन स्क्रीन पर आपको जो है न्यू गैजेट्स का आइकन आपको जो है देखने को मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में।